हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट इज क्लास टाइप वेरिएबल, यानी कि क्लास टाइप का ये वेरिएबल होता है एक ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका मतलब ये है कि क्लास टाइप का एक ये वेरिएबल है। ठीक है, क्लास क्या? क्लास एक डेटा टाइप है, उसका जब हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो वो वेरिएबल कहलाएगा क्लास टाइप का। ओके, ईच टाइम यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, अ कॉपी ऑफ ईच इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइंड इन द क्लास इज क्रिएटेड। इन अदर वर्ड, यू कैन से दैट ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ डेटा मेम्बर्स डिफाइंड इन द क्लास। मेम्बर फंक्शंस हैव ओनली वन कॉपी एंड शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। ऑल द ऑब्जेक्ट्स मे हैव देयर ओन वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या होता है कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट का, इतना याद रखिएगा। बाकी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तो ये डेफिनेशन आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उससे आगे बढ़ते हैं। एक जब हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमें एक कीवर्ड न्यू की आवश्यकता पड़ती है। सी प्लस प्लस जिन लोगों ने पढ़ा है, वो लोग जानते होंगे कि क्लास क्रिएट करने के बाद जब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम लिखते हैं क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ आपको डायनेमिकली हर ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेशन करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ओके, ये जावा प्रोग्रामिंग में ये रूल है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो न्यू कीवर्ड के साथ करेंगे, यानी कि न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके ही आप जावा के ऑपरेटर को क्रिएट कर सकते हैं, जावा के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो न्यू ऑपरेटर क्या है? द न्यू ऑपरेटर इन जावा डायनेमिकली एलोकेट्स मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट, रिटर्न्स अ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट एंड बाइंड्स द रेफरेंस विद द ऑब्जेक्ट। यर रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट मीन्स एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इट इज़ इसेंशियल इन जावा दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डायनेमिकली एलोकेटेड। ओके, लेकिन करेंगे कैसे, ये हम लोग थोड़ी देर में भी देखेंगे। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन था पिछले जो स्लाइड में हम लोगों ने देखा, वो डेफिनेशन था ऑब्जेक्ट का और न्यू ऑपरेटर का। अब देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स है क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। ये हम लोग सी प्लस प्लस में करते हैं, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। ये तो हो गए, क्लास नेम लिखना है आपको और अपना आपका जो भी ऑब्जेक्ट नेम आप रखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। ऑब्जेक्ट नेम मीन्स कोई भी वेरिएबल, जिसे जो रूल फॉलो करके हम लोग वेरिएबल नेम बनाते हैं, वही रूल को फॉलो करके हम लोग ऑब्जेक्ट नेम बनाएंगे। ठीक है, सो क्लास नेम लिखना है, देन ऑब्जेक्ट नेम लिखना है, सेमी कोलन देना है, स्टेटमेंट क्लोज, मतलब स्टेटमेंट बंद हो जाता है सेमी कोलन देने के बाद। अब एक और लाइन हमें बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे न्यू ऑपरेटर। ठीक है, तो उससे पहले ये देख लीजिए कि क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, इसको कहते हैं डिक्लेयर रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट, डिक्लेयरिंग रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने अपना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, सिंपली अगर इतना समझे तो। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, आप सेकेंड लाइन में आते हैं और आप यहाँ ऑब्जेक्ट नेम, जो ऑब्जेक्ट यहाँ आपने डिक्लेयर किया है उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ लिखते हैं। इक्वल न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, कीवर्ड आपको यहाँ न्यू लिखना है और क्लास नेम यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पैरेंथेसिस देते हैं और सेमी कोलन देकर बंद। इसको हम लोग कहते हैं एलोकेटिंग मेमोरी, यानी कि यहाँ एलोकेटिंग मेमोरी मीन्स यह जो ऑब्जेक्ट है वह मेमोरी एलोकेट कर रहा है, उसके लिए हम लोग मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक ट्रिक यहाँ ये दिया गया है कि आप दो लाइन्स में इसको लिखने के बजाय एक ही लाइन में आप दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आप इसको लिखिए पूरा इक्वल देकर, इसको लिखिए, ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, यानी कि क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू क्लास नेम और पैरेंथेसिस और सेमी कोलन देकर बंद। तो इस तरीके से आप इन दोनों को या तो अलग अलग लाइन में लिखिए या फिर सिर्फ एक लाइन में इसी को लिख दीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप एक फॉलो करेंगे, तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे एक्चुअली, क्योंकि ये वन लाइन में हो जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इससे। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, एक स्टूडेंट नाम का क्लास है मेरे पास, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टूडेंट वन, सेमी कोलन दिया। अब स्टूडेंट वन को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि मेमोरी देंगे इसको, तो मेमोरी दे रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं एक्चुअली। तो स्टूडेंट वन इक्वल न्यू और स्टूडेंट क्लास का नाम, इसको मेमोरी मतलब मेमोरी एलोकेट किया गया है इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग लाइन में लिखने के बजाय हम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, स्टूडेंट क्लास नेम देन स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू ऑपरेटर यहाँ लिखना है, यानी कि न्यू कीवर्ड और यहाँ क्लास का नाम। ओके, यहाँ मैं बार बार क्लास का नाम कह रहा हूँ और मैं साथ में यहाँ पर पैरेंथेसिस दे रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली में ये क्लास नेम है बट ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अभी तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर वर्ड जाना नहीं है, इसीलिए मैं कंस्ट्रक्टर का वर्ड का यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली में है कंस्ट्रक्टर।
ठीक, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है, कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम के जैसा ही होता है, यानी कि क्लास नेम जो आप देते हैं वही ना हम लोग को कंस्ट्रक्टर नेम लिखना पड़ता है। तो ये एक्चुअली में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है पूरा का पूरा, लेकिन चूंकि हम लोग कंस्ट्रक्टर का मीनिंग अभी नहीं जानते इसलिए मैं यहाँ बार बार इसको क्लास नेम कह रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। ओके, सो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअली में है क्या, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना होने के लिए मैंने यहाँ क्लास नेम का वो यूज़ किया, बट एक्चुअली में ये तो कंस्ट्रक्टर ही है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो आप एग्जाम में तो कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, क्लास नेम तो लिखेंगे नहीं। ओके, सो इस बात की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी थी। सो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ना इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कहाँ करना है, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे आप मेन क्लास के अंदर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और एक्सेसिंग क्लास मेंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप अपने क्लास मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं उसके बारे में देखते हैं। हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग अपने क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। क्लास मेंबर मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल या फिर मेथड। जैसे कि यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम, आपका जो भी ऑब्जेक्ट नेम है डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना है, यानी कि डॉट देना है, वेरिएबल नेम जो आपका वेरिएबल नेम होगा, और उस इक्वल साइन देकर उसका वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में स्टूडेंट वन मेरे ऑब्जेक्ट का नाम था, रोल मेरा एक इंस्टेंस वेरिएबल था जो कि इंटीजर डेटा टाइप का होगा। यहाँ डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके मैंने लिखा हुआ इसको, इसको वैल्यू दिया इस रोल को 101। ओके, ना एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मेथड को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो मेथड को एक्सेस कर रहे हैं मतलब यहाँ हम लोग इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, अगर सी प्लस प्लस की भाषा में कहें तो। ओके, सो इस मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट नेम लिखना है, देन डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना है, देन मेथड का नाम लिखकर पैरेंथेसिस लिखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में स्टूडेंट वन डॉट डिस्प और पैरेंथेसिस, या सेमी कॉलन, यहाँ भी सेमी कॉलन होना चाहिए था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें पैरामीटर लिस्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम और बिटवीन पैरेंथेसिस आप पैरामीटर लिस्ट देंगे, फिर पैरामीटर जो भी आप पास कर रहे हैं वह लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल स्टूडेंट वन मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट टोटल, और यह मैं पैरामीटर क्या पास कर रहा हूँ, 45 एंड 55। ओके, सो ये है ऑब्जेक्ट, और आई थिंक इतना ही है फिलहाल के लिए भी ऑब्जेक्ट में। तो आगे के वीडियोज में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक कि हम लोग इतना सीख चुके हैं कि अब हम लोग प्रैक्टिकल में वर्क कर सकते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक सिंपल सा क्लास क्रिएट करेंगे और एक मेन क्लास क्रिएट करेंगे, और दोनों ही क्लास का यूज़ करके आप एक प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, उससे क्लियर हो जाएगा ये जो ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है ये भी, और जो क्लास का थ्योरी पढ़ा है ये भी, और अभी तक का जितना भी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है सारी चीज़ें अभी आगे के एक प्रैक्टिकल वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप इससे रिलेटेड, अभी का जो वीडियो है इससे रिलेटेड, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।